तो बाद पुष्पेंद्र पिछले पटेल मध्य प्रदेश तो जो नेड़े है तो जरूर स्टेज पर आने की कृपालता कर। बलबीर सिंह जी राजेवाल अज दे इस धरने दे विच बैठे बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो भैनों नौजवानों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी अज 2020 नूं अलविदा आखनी है, कल नवा वरा चढ़ना है, तो वाहिगुरु मेहर करे ये नवा वरा किसानी लई मनुखता लई इस देश लई खेड़ियां खुशियां भरिया होवे। वाहिगुरु मेहर करे मोदी सरकार नूं समत बख्शे वो लोक सेवा वाले पासे तुरे। वाहिगुरु मेहर करे मोदी सरकार नूं शुद्ध बुद्धि बख्शे वो अपना अरिस्टोक्रेटिक स्टाइल काम करन दा बदल के लोक पक्षी स्टाइल बनाए। नवे बरे दी ए साड़ी सारयां दी कामना है। तुसी सारे मेरे साथियों तो सुन चुके होवोगे कल दी मीटिंग विच सरकार दे सुर ढिले सी, ये तुहाडी इन्नी लंबी तपस्या दा सिट्टा सी भई कल ओह उन्हां दे गल करन दे लहजे विच बहुत वड्डी तब्दीली नज़र आ रही सी। दो छोटियां छोटियां गल्लां जिहड़ियां उन्होंने कल मनियां साढ़े पंजाब वास्ते खास तौर ते बाकी देश दे सारे समुचे किसानां वास्ते भी बहुत अहमियत रखदियां ने। एक बिजली सोध बिल 2020 सी जिहड़ा हाले कानूनी शक्ल लैण तों दूर हाले सरकार दे बस्ते विच सी, जिहदे अनुसार पंजाब दे किसानां नूं बड़ा वड्डा नुकसान होण वाला सी। तुहानूं बिजली दे बिल फ्री ने, मोटरां ते बिल नहीं लगदे। ये नवीं इक खेड रची गई सी भी पहलां तुसीं बिल दिओ उहदे बाद सरकार उही तुहाडे खात्यां च वापस भेजेगी। ये नवां ड्रामा रचण दा इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 सी जिहदे च साडा कहना सी भई पंजाब दे किसानां कोल जमीनां बहुत छोटियां लैंड होल्डिंग्स रह गईयां, 5 एकड़ तों घट ने, धरती दा पानी बहुत नीवा चला गया, ट्यूबवैल लाउण लई लखां रुपए खर्च करने पैंदे ने, ते जे तुसीं जिहड़े अज दे हिसाब नाल बिजली दे बिल लाओगे तां 6 तों 7 हज़ार रुपया महीना छोटी मोटर दा हर किसान दे वस दा रोग नहीं पिछड़े महीने तुहानूं दिया करे। ते फिर पता नहीं तुसी गैस सिलेंडरां दी सबसिडी वांग वापस करो भी कि ना करो, ये साढ़े बस नहीं। जे इहो जिहा कानून लियाउंदे हो तां इक गल समझ लेनी चाहीदी है सरकार नूं भई घट्टो घट अद्धे ट्यूबवैल पंजाब दे एक महीने दे अंदर अंदर डिफाल्टर हो जाणगे, किसी ते बिल दित्ते नहीं जाणे। तुसी एक नवीं होर मुसीबत लई राह खोल रहे हो जिहड़ा असीं बर्दाश्त नहीं करांगे, और उहदे लई सरकार नूं इह मनणा पिया भई ठीक है असीं इह छड्डिया, इह कानून असीं नहीं बणावांगे। दूसरा सी एक बड़ा वड्डा पिछले समय तो दबा सी जदों नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल च केस चलदा सी आ पराली नूं अग लाउण वाला, मैं उस केस विच खुद पेश होया करदा सी। मैं उस वेले नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे जिहड़े चेयरमैन सी उह सुप्रीम कोर्ट दे जज सी, मैं उहनां नूं कहा सी भाई जी तुसी जो कुछ कहना चाहुंदे हो मशीनरी लियाओ, पंजाब दे किसानां कोल जिन्हां कोल छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है उहनां दे वसदा रोग नहीं,
इन्नी महंगी मशीनरी वो खरीद नहीं सकते और इन्नी महंगी मशीनरी खरीद खरीद के जिस तरह की तुसी कहिंदे हो उहदे लई 60-70 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए ते ए आम किसानों के वस का रोग नहीं। उदों फिर केंद्र सरकार नूं पार्टी बनाया गया सी और फैसला लिखा होया सी, अज भी वह फैसला स्टैंड करता है। मैं एक दो बारी पंजाब सरकार नूं घेरिया इस मसले ते भी जिहड़ी गल तुहानूं सूट करदी उह लागू कर दिओ, जिहड़ी किसान नूं सूट करदी उहनूं छड्ड दिओ, इह किवें कम चलू। उस फैसले का तीन हिस्से ने जी एच ते आई पार्ट है। एक हिस्से विच नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा भई जिहड़े 2 एकड़ तक की जमीन के मालक किसान ने उन्होंने ये सारी मशीनरी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लैके देवे, जिहड़े 5 एकड़ तक के मालक ने उन्होंने 5,000 रुपए च देवे, ये तो वध वालियां नूं 15,000 रुपए च देवे ते ये मशीनां चलाउण लई नकद इनसेंटिव दिता जाए। सरकार ने यह तो किया नहीं, हाँ एक कम कर दिता भाई जी असीं सबसिडी ते मशीनां देवांगे, जिन्ने दी मशीन सी जिनी उहदे ते सबसिडी मिलनी सी उन्नी मैनुफैक्चर ने कीमत वधा लई, क्योंकि करप्शन का जमाना है। इसलिए उहदा लाभ किसानां नूं कोई नहीं होया ते हो यह गया भी उन्होंने जुर्माने करने शुरू कर दिते। तो मैं एक सैमीनार विच खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नूं पुछया भाई जी तुहाडी एक किताब चा छपदा है हर साल जदों दा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरुआत हुई है उहदा नाम है पैकेज एंड प्रैक्टिसिज, उहदे विच तुसीं सानूं सलाह दिंदे हो किहड़ी फसल बीजण तों बाद खेत तैयार करके किवें अगली फसल लई तैयारी करनी है। तुसीं आ 5-6 साल तो पहले जिन्हें तुहाडे इह पैकेज एंड प्रैक्टिस दे किताबचे ने वह चक लो। तुसीं सानूं हमेशा कहा पराली नूं अग लाओ, खेत नूं साफ करो ते अगली फसल बीज दिओ, ते हुण 5 साल तो लिखणों हट गए। सानूं 50 साल एक पाठ पढ़ाई गए ते चाहुंदे हो असीं उह 5 महीनियां च छड्ड दईए। वाइस चांसलर कोई जवाब नहीं सी, उन्हें कहा हाँ तुसी ठीक कहिंदे हो पर हुण असीं अपनी इह पैकेज एंड प्रैक्टिस विचों इह गल कढ दित्ती है, ते जे कढ दित्ती है तुसीं 50 साल दी प्रैक्टिस तां घट्टो घट 5-7 साल तां किसान नूं दिओ ना इहनूं समझण वास्ते तरीका बदलण वास्ते। और सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए, मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर नूं कहा भी तू बैठा इत्थे मैनू दस अज तक किसी अदालत का फैसला अधूरा लागू होया, अद्धा फैसला लागू कर दिओ अद्धा छड्ड दिओ, जिहड़ा तुहानूं सूट करदा उह लागू कर दिओ, जुर्माना कर दिओ, किसानां ते FIR कर दिओ, उहनां दी जमाबंदी च रैड एंट्री कर दिओ, ते जिहड़ा तुसीं कम करना सी उह कौण करूगा, कोई जवाब नहीं। ते हुण केंद्र सरकार ने वो तो उत्साहित होकर नवा कानून बना लिया सी भाई जे कोई पराली नूं अग लाएगा उस किसान नूं 1 करोड़ रुपया जुर्माना होएगा ते 5 साल की कैद होएगी। कल ये तो असी तुहाडा खेड़ा छड़ा दिता, जिहड़ा नवा कानून उहदे विचों किसान का हिस्सा बाहर कढ दिता, इंडस्ट्री ते लागू होएगा। ये 2 गल्लां कल असीं करवा के आए हाँ, बाकी असली मुद्दा हाले खड़ा है। असली मुद्दे ते सरकार अपनी इज्जत बचाउण वाले पासे नूं तुरी हुई है, उह सिद्धे शब्द नहीं वरतदे पर सानू मीटिंग जे कहिंदे ने भई जी कोई आल्टरनेटिव दस दिओ, इस शब्द दा जिहड़ा तुसीं वरतदे हो रिपील करो, ये रिपील दे तां शब्द कोई होर वरत लो, साडी भी इज्जत रह जाए ते तुहाडा भी मोर्चा फतेह हो जाए। इत्थे सरकार खड़ी है, खैर सरकार दी एक गल सुन के
मैं अज सवेर का पढ़ता आया बहुत सारे दोस्तों तो वकीलों तो इधरों उधरों डिक्शनरियां चो सवेर का मत्था मारदा आया भी रिपील दे थां केड़ा शब्द ठीक रहे। चलो जो उन्हां दी इज्जत का सवाल है बचा लो बेचारियां दी, पर अपनी गल तो असीं पूरी करवानी है, वो तो बिना तो असीं पिछे हट नहीं सकते। असीं उन्हां नूं कहा, मैं कल कह के आया सी मंत्री नूं कि आ जिहड़ी एड्डी वड्डी फौज भर्ती की है तुसीं अफसरशाही दी, जिन्हों तुसीं कहिंदे दुनिया भर का दिमाग इकट्ठा किया है, इहनूं लखां रुपईआं तनखाहां दिंदे हो, इह किहदे वास्ते है? यही तुहानूं घुणतरां पाउंदे ने, यही घुणतरां चों कढणगे। साडा जी करे असीं दसांगे, जी करे ना दसांगे, पर असीं इह कानून वापस करन लई तुहानूं खैड़ा नहीं छड़दे जदों तक तुसीं इह वापस नहीं लैंदे। पर इहदा हल भी जिन्हां ने तुहानूं फसाया है, आ अफसर बैठे ने तुहाडे कोल, इन्हां ने कानून लिखे ने, यही हल दसणगे। 4 तारीख नूं इस मुद्दे ते बहस होएगी, असीं तुहाडी ताकत नाल लड़दे हाँ। कोई कुछ कही जाए, भावें मैं बहुत वड्डा, मैं तो यह अज नहीं हर बारी तुहाडे सामने एक बेनती करदा, या जिहड़ा एड्डा वड्डा अडंबर दुनिया का कदे किसी ने देखा नहीं, दिल्ली के चारे पासे तुसी बैठे हो, पटने विच बहुत वड्डा कट होया तुहाडे भरावां दा, उन्होंने डट के पुलिस दीआं लाठियां खादियां, हथ नहीं चक्किया। हैदराबाद च कल बहुत वड्डा कट होया, अज मणिपुर च कट हो रहा है, तमिलनाडु च सरकार ने वाह ला लई, सारे लीडर पढ़ के अंदर देते, उहदे बावजूद थंजावूर च जिन्हों कन्याकुमारी कहिंदे ने उहदे नेड़े लखां किसान कट्ठे होए तुहाडे हक विच, अज सारा देश एक सूई दे एक नक्के ते लंघ गया। यह उपरले का कोई करिश्मा है, अकाल पुरख की कोई मेहर है? एडी वड्डी संख्या च यह मनना पएगा, भावें कोई नास्तिक होवे कोई आस्तिक होवे, मैं इस गल का धारनी हाँ, मैं ये गल मन के तुरदा, सवेरे जदों उठदा अरदास करदा वाहिगुरू अगे तो इको गल मन में आती है, हे वाहिगुरू ये की अडंबर तू रचया है, इनू तू ही सिरे लाउणा है। मैं अपनी जिंदगी च बड़े अंदोलन लड़े भरावो, बड़े बड़े अंदोलन लड़े, सफल लड़े, पर आह चमत्कार मैं नहीं अपनी जिंदगी च कदे देखिया, इन्ने लोग कट्ठे होण रहण शांतमई, ओ महीनिया वधी तुसी लड़ो, किसी का फुल भी ना तोड़ो। तुसी अज इत्थे आके आ जिहड़े तुसी इत्थे बैठे हो, मैं आ रहा सी, सीना चौड़ा हो जाता है जदों मैनू यह खबर मिलदियां भाई हरियाणे वाले भाई जिहड़े आले दुआले बैठते ने वो तुहाडियां सिफतां करदे नहीं थकदे। उस सरकार ने वाह ला लई हरियाणे और पंजाब वालों नूं लड़ाउण दी, SYL दा मुद्दा खड़ा करके बारे बारे जावां उन्हें भरावां दे, उन्हें वगाह मारी उन्हां दी हरियाणे वालों दी, ला के परे सुट दिते, कहता सी भरा मसां जुड़े हाँ, खबरदार खबरदार जे साडे विच कोई दुफेड़ पैदा कीती तां। तो अज एक करिश्मा नहीं तो होर की है, सारे देश का किसान इको सोच लैके बह गया, मेरे को जादू है, मेरे साथियों को जादू है, भाई इको गल असी इतों उ थंजावूर बैठे किसान जोड़ा सा बोली भी नहीं समझता तमिल बोलता, केरला विच बैठे साढ़े भरा को जोड़ा साढ़े सभ्याचार तो भी वाकफ नहीं, आंध्र प्रदेश बैठे भरावों को जोड़े तेलगू बोलते ने सू पता ही नहीं लगता, वो सारे इको बोली बोलते ने, उपरले का करिश्मा है। कल नवा साल चढ़ना है, मैं बड़े माण नाल गल हर जगह कहना, साडे बच्चों ने साडे नौजवानों ने बहुत वड्डा कलंक धोता पंजाबियों के सिरों, जिन्हों बदनाम किया जाता सी,
पोलीटिकल लोग हर पार्टी एक दूजे से चिक्कड़ सट्टन के नाते टारगेट साढ़े बच्चों करती सी। हर पोलीटिकल पार्टी कहती सी नवी पीढ़ी गई है नशेड़ी हो गए फलान हो गए टींग हो गए। हुण तक कदे किसे नशेड़ी का केस नहीं सुनने मिलिया। सारे सेवा करते ने इत्थे आ ट्रैफिक जदों रोकते ने मैं कोलों दी लंघदा दिल अश अश कर उठता है भी आ ड्यूटी साडे बच्चे ने आप सांभी है सफाई करनी है आप सांभी है। फिर भी एक मैं चौकस करांगा अपने बच्चों नूं सरकार ने अपनी पूरी टिल भी लाई हुई है भावें सरकार घबराई हुई है पर पता नहीं दुश्मन बात करे अनहोनी ये समझ के चलना चाहिए। दुश्मन बात करे अनहोनी जिहड़ी तुहाडे चित चेते भी नहीं हुंदी वो किते आके उंगल लाउंदा है चलो उत्थे आके आप पंगा खड़ा करिए लीडरशिप देखांगे की करूँ चलो आपां जाके उत्थे बंद कर दिए चलो आपां जाके फलाना काम कर दिए। ये सारियां गल्लां मैं और मेरे 30-40 साथी तो हर जगह हर हाजिर नहीं रह सकते ये तो साडा और तुहाडा एक विश्वास है जिहड़ा असीं अपने बच्चों से विश्वास अपनी झोली च लई फिरदे हां भई उह उहनां दी पेश नहीं जाण दिंदे फिर उहनां नूं नाकाम कर दिंदे ने। इसलिए अज दा दिन आम तौर पर हुण हिंदुस्तान च नहीं सारी दुनिया च अज राती 12 बजे अमीर लोगों ने हुड़दंग मचाउणा है उन्हां कोल पैसा है पर तुसीं तपस्या ते बैठे हो देखियो ये तपस्या भंग ना हो जाए अज अद्धी रात तो यह तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। हुड़दंग वालों नूं हुड़दंग मचा दो तुसीं उपरले दे उहदे इशारियां ते इत्थे बैठे हो उहदी धारणा नूं सेक नहीं लगना चाहिए। शांति नाल रहना है शांति नाल 2021 च पैर रखना है और शांति नाल 4 दिन बाद यह अंदोलन की जित वल वधना है। मैं एक गल भरावो तुहाडे सिर ते दावे नाल कह सकदा एक गल मैं तुहाडे सिर ते दावे नाल कह सकदा तुहाडा एडा वड्डा असासा जी ने मोदी का सारा तंत्र हिला के रख दिता तुहाडा शांतमई अंदोलन है ये मेनटेन रखिया मोदी दे पुरखे भी गांह तो तुहाडे नाल लड़ाई नहीं पाउणगे ये मैं साफ कर दिया। हुण दी तां गल दूर दी रही आ तां मोर्चा जितांगे मोदी दे पुरखे भी अगों तो यही जी लड़ाई तुहाडे नाल नहीं पाउणगे। उन्हां नूं पता लग गया भी किसान की हुंदे ने उन्हां नूं पता लग गया किसान कुरबानी देण जाणदे ने। एक पासे कही जाओ अन्न देवता एक पासे कही जाओ भी देश का अर्थचारा कोविड नाल डुब गया सी इंडस्ट्री बंद सी बाजार बंद सी बचाया तो किसानों ने बचाया दूए पासे किसानों के जड़ां च दाती फेरी जाओ ये दो गल्लां कुदरत बर्दाश्त नहीं करती। कुदरत ये बर्दाश्त नहीं करती जदों बहुत अत हो जाए तो कुदरत उहदा इलाज लभ लैंदी है वह इलाज आ तुसीं बैठे हो। तो मैं तुहानूं साडे सारयां दे चरणां विच इही सनिमर बेनती करनी है असीं जे लड़ रहे हां सरकार नाल तां तुहाडे दित्ते थापड़े नाल लड़ रहे हां जे असीं लड़ रहे हां इस गल्लों बेफिक्र हां भी साडे बच्चियां ने इस अंदोलन नूं संभालिया होया शांतमई रख्या होया और ये शांतमई रहेगा और दुनिया विच इक नवीं मिसाल इतिहासकार लिखणगे सारी दुनिया में इदां दा अंदोलन कदे ना चलिया। वाहगुरु करे कल नूं वाहगुरु चला दे तो कह नहीं सकता मैं नहीं मनुख दे वास दा रोग नहीं इहो जिहा अंदोलन नहीं चलेगा कदे। तुहानूं पता है तुहाडे अंदोलन दा सेक किते किते गया साडे कोल खबरां आउंदियां रहिंदियां अफ्रीका च काले वसदे किसान वो तुहाडे वर्गे छोटे जमीना दे मालक ने उत्थे उथल पुथल हो गई वो कहिंदे भी हिंदुस्तान च किसानां ने
सारी दुनिया नूं नवा रस्ता दिखाता, असी की सोचते हाँ साडा शोषण क्यों हो रहा है। उत्थे भी अंदोलन जन्म लैण लगे है। ये तुहाडे इस अंदोलन ने सारी दुनिया विच पता नहीं की कुछ किया है। तो इसलिए बहुत वड्डी तुहाडी प्राप्ति यह है भाई अकाल पुरख तुहाडे विच वसदा है। सब तो वड्डी प्राप्ति यह है अकाल पुरख तुहाडे च सिरां ते हथ रख्या अकाल पुरख ने, तां एडा वड्डा अंदोलन जिहड़ा है इह सफलता वल वध रिहा है। वाहिगुरू मेहर करे बहुत जल्दी तुसीं जित के जित की खुशी च अपने घरां नूं जाओगे। इहनूं मेनटेन रखियो, शांति मेनटेन रखियो, अपने बच्चों नूं कहो वो कंट्रोल रखण। सैल्फ कंट्रोल बहुत वड्डी ताकत हुंदी है। जे इस ताकत नूं संभाल लिया कोई किसी की हिम्मत नहीं तुहानू हरा सके। इन्ना कहिंदा फिर तुहाडे सारयां दा एक बारी धन्नवाद। सारियां भैणां बीबियां जिहड़ियां इत्थे साडियां इत्थे पंजाब चों आके इत्थे तप करदियां उहनां दा तहि दिलों धन्नवाद। तुहानू सारयां नू फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू अगे अरदास करदा सानू सारयां नू सुध बुद्धि ते समत बख्शे, इसे तरह इस अंदोलन नू सफल करन वल अगे वधे वधावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।